मैनेजमेंट के गुरु गणपति, गणपति के बड़े कान यानी अच्छा श्रोता होना। गणेश जी के हाथी के कान से ये संदेश लिया जा सकता है कि अच्छा श्रोता होना कितना महत्वपूर्ण है। बोलने से ज्यादा सुनना चाहिए। हमेशा कहा जाता है कि किसी भी स्थिति को संभालने के लिए एक अच्छा श्रोता होना बेहद जरूरी है। आपको हमेशा पहले सुनना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। एक पैर जमीन पर टिका हुआ यानी संतुलन बनाए रखें। अगर आपने गणेश मूर्ति को ध्यान से देखा है तो भगवान गणेश का एक पैर जमीन पर टिका हुआ है और दूसरा मुड़ा हुआ है। ये हमें जीवन में संतुलन का महत्व सिखाता है। जीवन में संतुलन बनाए रखना काफी जरूरी है। घर हो या काम या मौज मस्ती, खेल और जीवन में हमेशा संतुलन बनाकर रखना चाहिए। गणेश जी का वाहन चूहा यानी सबका सम्मान करें। हम सभी जानते हैं कि गणेश जी का वाहन चूहा है। हमें नम्रता और छोटे से छोटे जीव का भी सम्मान करने की सीख मिलती है। भगवान गणेश हमेशा सबका सम्मान करना और सबके प्रति विनम्र रहना सिखाते हैं। भगवान गणेश हमेशा हमें सिखाते हैं कि कोई भी असमान नहीं है और सभी के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा आप चाहते हैं कि वे आपके साथ करें। अपने ज्ञान और शक्ति का बुद्धिमानी से इस्तेमाल करें। आपके पास कितना भी ज्ञान या शक्ति क्यों ना हो, आपको इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। इसके बजाय समाज के कल्याण के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। आपका ज्ञान और शक्ति आपका सबसे शक्तिशाली हथियार है, इसलिए आपको इसका बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि खुद को या दूसरों को नुकसान ना पहुंचे। गणेश जी ने इतनी सारी बातें जानने के बावजूद कभी भी अपनी ज्ञान और शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। अपनी खामियों को स्वीकार करें। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता और प्रत्येक की अपनी अपनी खामियां होती हैं। आपको इन खामियों को अपने पूरे दिल से स्वीकार करना चाहिए। आपको अपनी खामियों को अपनी कमजोरी नहीं समझना चाहिए, बल्कि इन्हें अपनी ताकत समझकर इसे अपनाना चाहिए। गणेश जी की मूर्ति एक हाथी के सिर वाला मानव शरीर है। हमें सिखाने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है कि हमें खुद को और अपने आसपास के सभी लोगों को वैसे ही स्वीकार करना सीखना चाहिए जैसे वे हैं।